पता चल गया होगा, आज हम गोवा में हैं और मेरे फेस पे जो सनस्क्रीन की चमक जो दिख रही होगी उसको देख के आपको साफ पता चला होगा कि हम गोवा में हैं। अभी हमने यहाँ पर सुबह में ही हम आए थे और यहाँ पर रूम ले रखा है। पीछे रूम थोड़ा मेसी सा है इसलिए अभी आपको दिखा नहीं रहे, थोड़ा क्लीन करके शाम को आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी हम ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, उसके बाद जाएंगे पूरा साउथ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम साउथ गोवा घूम रहे हैं, उसके बाद नॉर्थ गोवा जाएंगे। तो अभी साउथ गोवा एक्सप्लोर करते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं, फिर नॉर्थ गोवा कल जाएंगे, उसके बाद वहाँ 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद करेंगे गोवा में फुल फन। तो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए इसी होटल में ही रेस्टोरेंट था उसमें हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया एक मसाला डोसा, और इसके बाद इस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा अभी भैया को बोल दिया स्कूटी लाने के लिए। 2 किलोमीटर के अराउंड पैलोलिम बीच है, वहाँ पर ही हमने ये होटल लिया। मैं इसका होटल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी जैसे स्कूटी भैया ने दे दिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी आप स्कूटी लें, उसके फोटोज और वीडियोज अच्छे तरीके से बना लें ताकि बाद में कुछ भी डैमेज होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको ब्लेम ना कर सके और एक्स्ट्रा चार्जेस ना ले सके। बोलो यार क्या बोल रहे हो कि जैसे जब लास्ट टाइम आए थे ना पूरा झुग्गी झोपड़ी था, मतलब सब अबेंडन। अच्छा, पूरा खाली, हम लोग ऐसे ही बस बीच पे घूम रहे हैं। अरे लेकिन इस बार तो पूरा माहौल बना पड़ा, देख रहा तू? मैं आपको अभी यहाँ का पूरा माहौल दिखाता हूँ, ये देखो कितना अच्छा यार लग रहा है यहाँ पर आकर। और सुधीर हम लोग कौन से बीच पे हैं अभी? पैटनम बीच पे हैं अभी हम यहाँ पर, और चारों तरफ मजा आ रहा है एकदम, नीला शांत समुंदर देख के क्या मजा आ रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर से बता नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ थोड़ा फुल मस्ती करके आपको बताता हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बीच पे नहा के, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स है इस बीच पे। अभी हम पैटनम बीच पे हैं और पैटनम बीच आई थिंक गोवा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है, और यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी क्राउड है मुझे तो बहुत कम ही इंडियंस दिख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ तक वो फॉरेनर्स दिख रहे हैं। और काफ़ी शांत सा बीच है, अभी दिसंबर के मंथ में इतना शांत सा बीच काफ़ी ज़्यादा। अभी इसके बाद हम बटरफ्लाई बीच जाएंगे, बट यहाँ पर इतना शांत बीच देख के हमारा मन हो गया कि हम यहीं पर सनबाथ लें और इंजॉय करें बीच को। अपने लड़के गए हैं स्विमिंग करने और मैं यहाँ पर अपने क्या ही बोलूँ मैं, ये देखो बीच पे बियर पीने का मजा ही अलग है। हम जा रहे हैं दूसरे बीच पे, पैलोलिम बीच पे जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, काफ़ी मस्त मस्ती किया और रेत भी गर्म हो गई है। अभी इतने स्कूटी के पास जा रहे हैं काफ़ी, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे हट्स, और यहाँ पर तो एक भी मुझे इंडियन हार्डली इंडियन ही कोई देखा मुझे, यहाँ पर सारे लोग फॉरेनर्स हैं। और काफ़ी मस्त बीच है ये। जब हम पैलोलिम बीच पे हैं, और पैलोलिम बीच पे यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, और बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर कैकिंग और बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रश है। पैलोलिम बीच पे ज़्यादा कुछ खास करने के लिए है नहीं, क्योंकि हम बोटिंग और ये सब भी कुछ करेंगे तो हम नॉर्थ गोवा में करेंगे। ये मैं आपको फुल व्यू देता हूँ यहाँ पर पैलोलिम बीच का, और बता दें यहाँ पर कैकिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको खुद से राइड मिलेगी करने के लिए, कैकिंग करने के लिए मिलेगी, और 1 आवर का वो राइड रहता है कैकिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कर रहे हैं कैकिंग, और 200 पर हेड चार्जेस है इसके। गाइस बटरफ्लाई बीच जाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ रही है, रास्ता काफ़ी उबड़ खाबर है। हमने अपना स्कूटी पीछे ही छोड़ दिया है, और इस पर इंसान जंगल से होके हमें बटरफ्लाई बीच तक जाना है। सो गाइस अभी हम पहुँचा ट्रैकिंग करके, अभी आ चुके हैं बटरफ्लाई बीच पे, और ये आपने जो पीछे माउंटेन देख रहे हैं ये वाला माउंटेन, ये बटरफ्लाई के शेप में है, ये देखो डाउन और फिर इधर अप। और ये काफ़ी छोटा सा बीच है, देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना ही बीच है। और इसके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीच है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और रेत काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और लेकिन बट ये ट्रिक करके आने में काफ़ी मज़ा आया। तो एक बार यहाँ का फुल व्यू दे देता हूँ, बस ये यहाँ तक ही है, ये रहा पूरा बटरफ्लाई बीच। काफ़ी छोटा बीच है बट काफ़ी प्यारा बीच है। और ये रहा वो माउंटेन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये अप और ये बटरफ्लाई का दूसरा बीच, इसलिए इसको बटरफ्लाई बीच बोलते हैं।
तो अभी हम लोग आ गए हैं अघोड़ा बीच पे। अघोड़ा बीच इसलिए क्योंकि यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हो क्या प्यारा सनसेट व्यू आ रहा है यहाँ पर, और ये गोवा में वन ऑफ द बेस्ट बीच है सनसेट देखने के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सनसेट का व्यू आ रहा है। अभी हम लोग शाम को यहीं पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं सनसेट देखने के लिए। और ये बीच देखिए प्यारा और शांत सा बीच सनसेट के साथ, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम लोग पैटनम बीच पे हैं, जो वही पैटनम बीच जहाँ हमने समुद्र में मस्त मज़े किए थे। और ये देखिए लोग मस्त कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा दिन है और अभी हम आए हुए हैं गालगी बीच पे, जस्ट सामने था हमारे होटल के। और ये देखो गालगी बीच काफ़ी शांत सा बीच है, और यहाँ देख सकते हो पीछे वो सारे सनबाथ लेने के लिए जो स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे वो भी यहाँ नहीं है, बिल्कुल शांत है। और जस्ट आगे थोड़ा सा आगे पैटनम बीच है, वहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अलग है। अभी हम लोग यहाँ पर पंजिम बस स्टैंड आए हुए हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर 33 डिग्री टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा हीट है। नॉर्थ का में बहुत ज़्यादा रश होने वाला, साउथ में तो काफ़ी मज़े आए, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं लगा एसी बस चलेगी, बट एसी बस के लिए वेट करना पड़ेगा, तो हम अभी नॉर्मल लोकल बस से ही जा रहे हैं। फिर पंजिम से वापस कलंगेट के लिए हम बस चेंज करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे नॉर्थ। डे थ्री में जो हमारा पहला ट्रिप था वो अभी जो डेयर जिंदगी वाली जो मूवी की शूटिंग हुई थी वो उस रोड पे हुई थी जिसको पैर रोड बोलते हैं। और ये देखो ये साथ में एक चर्च है, बहुत ज़्यादा 1649 का चर्च है संत एनिस्टर। अभी हम लोग वेगेटर बीच पे आ गए और यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर देखो वेगेटर बीच पे हैं और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के चार्जेस लिखे हुए हैं, बट यार ये लोग फिक्स प्राइस रखे हुए हैं। अगर हम मेहमान था काफ़ी ज़्यादा पैरासेलिंग करने का, बट 500 बोल रहा बट वो मान नहीं रहे। और अगर टूर मतलब 5-in-1 वाटर स्पोर्ट्स करना है तो 1500, और इन्होंने फिक्स कर रखा है। देखते हैं नेगोशिएट कितने पे हो पाता है, उसके बाद ही ऐड करते हैं कौन सा वाटर स्पोर्ट्स करना है, बट वाटर स्पोर्ट्स तो करके ही जाऊंगा। वेगेटर बीच पे कुछ ज़्यादा ही रश है क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वेगेटर बीच पे बहुत ज़्यादा फेमस है। दो ही बीच बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, एक वेगेटर दूसरा अर्जुना बीच। और बागा कलंगेट पे भी होता है यार, बट वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, हर किसी को पता है बागा और कलंगेट के बारे में, हर कोई वो सिटी सेंटर बस स्टैंड कलंगेट बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है, मन नहीं होता बिल्कुल वहाँ कुछ भी करने का। आज अभी हम जा रहे हैं पैरासेलिंग करने के लिए, काफ़ी हमने कोशिश किया नेगोशिएट करवाने के लिए बट उन्होंने माना नहीं, तो 700 पर हेड पैरासेलिंग कर रहे हैं हम। और जेट स्की के लिए बात करें बट 400 ले रहे थे, बट हमने फिर जेट स्की का सोचा कि दूसरे बीच पे करेंगे। अभी यहाँ पर वेगेटर बीच पे पैरासेलिंग करने जा रहे हैं। अभी मस्त पैरासेलिंग करके आया हूँ, और पैरासेलिंग में यार पहले फ़ोन ले गया था लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टाइट्स थी, तो बोट जाके बीच में जाके वहाँ बोट पे एक बोट से दूसरे बोट पे रखते हैं, जिस बोट पे पैरासेलिंग वाला जो पैराशूट रहता ना वो उस बोट पे रखते हैं। तो जब हम बोट से जा रहे थे छोटे वाले बोट से, तो ये बहुत ज़्यादा हाई टाइट्स थी और सारा पानी अंदर ही आ गया था, मेरा जो गॉगल्स थे वो भी गिर गए थे, वो तो मिल गया। अच्छा था कि बहुत अच्छी किस्मत थी कि गॉगल्स मिल गया मेरे, और फोन में बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा, फोन तो वाटर प्रूफ था बट मुझे लगा कि गिर जाएगा वापस तो क्या ही करेंगे, इसलिए यार रिस्क नहीं लिया। यहाँ वेगेटर बीच के पास ही चापोड़ा फोर्ट है, ये वही जगह यहाँ दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। आ चुके हैं चापोड़ा फोर्ट पे, और मुझे लगा ये बहुत बड़ा सा फोर्ट है, बस बेसिकली क्या हाइट है, कुछ फोर्ट वगैरह कुछ भी लग नहीं रहा है। और पीछे वहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। बेसिकली इन दीवारों पे हुई थी, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में समुद्र रहता है, और यही है बस फोर्ट। ये देखो यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो तीनों यहाँ पर बैठ के बात करते हैं बस, और ये पूरा खंडर है। मॉर्जिम बीच पे नहाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, और यहाँ पर भी बस नॉर्थ गोवा के पे लिटिल रशिया बोलते हैं इस मॉर्जिम बीच को, और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स हैं बेसिकली रशियन हैं, और बाहर काफ़ी सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वहाँ पर भी सब कुछ रशिया में लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सिर्फ फॉरेनर्स रहते हैं इस बीच पे, नॉर्थ गोवा में थोड़ा सा दूर है कलंगेट बीच और बागा बीच से, बट आई थिंक 27 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है,
बट वर्थ है आना। तो आ चुके हैं एरम्बोल बीच पे। एरम्बोल बीच नॉर्थ गोवा में पड़ता है और नॉर्थ गोवा का भी नॉर्थ पार्ट है। और मुझे लगा था यहाँ पर मॉर्निंग के बाद यहाँ पर आया हूँ, मुझे लगा यहाँ पर थोड़ा पीस मिलेगा, बट यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, मैं चारों तरफ देखो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पर, ये तो फुल भरा पड़ा है। और ये फोर्ट में आज हम लोग बेसिकली यहाँ पर सिंकेरियम फोर्ट आया, सिंकोरियम फोर्ट बेसिकली इसको अगोडा फोर्ट भी बोलते हैं। और ये सिंकेरियम बीच पे और जस्ट एडजेसेंट है, मतलब बीच पे ही फोर्ट बना रखा है। और अभी हम लोग फिर इसको एक्सप्लोर करने के बाद ओल्ड गोवा और फिर पंजिम जाएंगे। ये अभी हम लोग सिंकेरियम बीच पे आ चुके हैं और ये जो आप देख रहे हो ये सिंकेरियम बीच है और पीछे ये फेमस अगोडा फोर्ट है। ये भी बेसिकली एक छोटा सा ही फोर्ट है और ये रहा वो फोर्ट का वो पॉइंट जहाँ पर शूटिंग होती है मूवीज़ की, यहाँ पर दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। और इस साइड ये पूरा एरिया जो फोर्ट का आई थिंक वो सारा ताज होटल वालों का है, मतलब उन्होंने यहाँ पर ताज होटल बना रखा है, तो पूरा एरिया आधा से ज़्यादा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। और फोर्ट के नाम पे बस ये एक पॉइंट है बेसिकली जहाँ से पूरा बीच दिखता है, ये बेसिकली एक फोटोग्राफी पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पास में सिंकेरियम बीच है जो आप देख रहे हो उस साइड, और ये पूरा जहाँ पर सारे लोग फ़ोटो लेने में बिजी है, हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर खिंचवा ली अपनी। पूरा अगोडा फोर्ट जहाँ पर अभी हम विजिट कर रहे थे और अभी हम आ चुके हैं ये बीच जो जिसको सिंकोरियम बीच बोलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ देखिए टूरिस्ट है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आना। और फोर्ट कुछ खास मुझे नहीं लगा क्योंकि बच्चे फोटोग्राफी के लिए बेसिकली अच्छा है बट और कुछ भी नहीं है, सबने सब कुछ ताज वालों ने कैप्चर कर रखा है, अंदर में उसने रिजॉर्ट बना दिया उनका। और ये यहाँ से काफ़ी बड़ा बीच है। अभी हम लोग मिरामर बीच पे आए हैं, पंजिम में है मिरामर बीच। और मिरामर बीच बेसिकली सेम पबजी का जो मिरामर मैप था उस टाइप का ही फील दे रहा है। ये देखो पूरा रेत, पूरा हर जगह से बालू और बहुत काफ़ी कम टूरिस्ट क्योंकि ये मेन बीचेस से बाहर है और लोग पंजिम बाद में बहुत कम आते घूमने क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है और बीच में एक मंदावी रिवर करके है उसको पार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है नॉर्थ गोवा से। और देखो मस्त पूरा खाली और पूरा रेत से भरा हुआ। हम सोच रहे हैं पंजिम आए तो सत्संग में चले जाएं और पाव भाजी खा लें। अभी हम लोग पंजिम के वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च में आए हुए हैं और वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन गोवा। और इस चर्च का नाम है संत कैथेड्रल चर्च और ये ओल्ड गोवा में पड़ता है और पंजिम से काफ़ी पास है, जो मेरे पीछे देख रहे हो आप काफ़ी ब्यूटीफुल सा चर्च है। और आज क्रिसमस का डे है तो फीलिंग्स तो क्या ही बताएं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और क्योंकि ये होना भी चाहिए यार, गोवा का फेस्टिवल है क्रिसमस, गोवा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है यहाँ क्रिसमस। और काफ़ी सुंदर सा चर्च, ये वही फेमस संत कैथेड्रल चर्च और देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा तो दूसरे चर्चेस को भी एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए निकलना पड़ेगा, बट यार देखो अगर ये खुल जाता तो जीसस क्राइस्ट के दर्शन हो जाते और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चर्च में जाकर प्रे करने का मौका मिल जाता। कैथेड्रल चर्च जस्ट अभी मेरे पीछे और जस्ट उसके लेफ्ट साइड में, इस साइड आप पीछे देखो ये चर्च है बेसिलिका चर्च। और बेसिकली इसको हम लोग बॉम ऑफ जीसस भी बोलते हैं और ये चर्च यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, होप सो इसके अंदर एंट्री मिल जाए अभी क्योंकि संत कैथेड्रल में तो अभी एंट्री बंद थी। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर इस चर्च में जाने के लिए, देखते हैं कितने दिन में एंट्री मिलती है हमें। जस्ट हम लोग अभी बाहर आए हैं इस चर्च से और इस चर्च के बारे में तो बहुत सी कहानियां हैं। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी निकले हैं आज क्योंकि जैसे हमने एंट्री लिया उसके बाद 5 बज गया था और गेट क्लोज हो गया, आप देख सकते हो कोई भी लाइन नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गोवा का, सबसे पुराना इंडिया का आई थिंक सबसे पुराना चर्च। अभी हम लोग फोंटिनहास आए हुए हैं। फोंटिनहास बेसिकली एक
पुर्तगीज टाउन बोल सकते हैं गोवा का। फोर्टिनाश आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और गूगल मैप पे। और यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर देख सकते हो फोटो खिंचाने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस रहती है। और सारे हाउस का आर्किटेक्चर पुर्तगीज के स्टाइल में है। ये पूरा मोहल्ला ही पुर्तगीज लोगों का था और अभी भी वो घर है वो पूरा पुर्तगीज आर्किटेक्चर में बने हुए हैं और फोटोज बहुत ज़्यादा मस्त आती है। यहाँ पर देखिए द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च और ये चर्च बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी इसको आपको अंदर से दिखाते हैं और इस चर्च के बाद हमारा गोवा का ट्रिप खत्म हो जाएगा और रात को ही हमारी ट्रेन है तो हम निकल पड़ेंगे ट्रेन के लिए। और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।